डियर अर्जेंट्स, आज हम लोग क्लास टू पे पढ़ने जा रहे हैं। क्लास टू का मैथ और टॉपिक है राइट इन वर्ड। ये राइट इन वर्ड इसको हम लोग इसके पहला चैप्टर में हम लोग नंबर पढ़ेंगे, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर के बाद काउंटिंग करने के लिए हम लोग सीख गए उसी को जो है काउंटिंग को ही हम लोग को वर्ड में लिखना। कार्य का मतलब है इसमें एक पर्सन हम लोग ले रहे हैं, इसमें मान लेते हैं जैसे 24 है, तो इसको हम लोग को वर्ड में लिखना है। तो इसको हम लोग जानते हैं 24 है, अगर हम लोग जानते हैं तो सेम इसी का वर्ड में लिख देंगे 24। इसी तरह से अगर तुम कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर हो, तो उस नंबर को जो हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लेते हैं 13 है, तो इस जगह पर 13 है तो 13 लिखेंगे। तो 13 का स्पेलिंग हम लोग पहले सीखे हैं, 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग जो है लिखने के लिए सीखे हैं। तो उसी के अनुसार में जो है इसको हम लोग ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते जाएंगे। जैसे ये 24 है तो 24 आया, 13 है तो 30 लिखेंगे हम लोग 13। मान लेते 56 है, तो 56 है तो 56 लिखेंगे इसको। तो 50 के लिए हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे 56। तो बच्चों इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग एक साइन या हाइफन का साइन हम लोग डाल देंगे सब में। इसी आधार पर एक इस टॉपिक का जो वर्ड राइट इन वर्ड वाला में जो एक कॉलम में जो क्वेश्चन बना हुआ है वो सब क्वेश्चन को जो हम लोग को बनाना है एज डब्ल्यू में जैसे हम लोग बनाएंगे इसमें राइट इन वर्ड। इसका क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं 39 है, 48 है, 69, 67 है, 88 है। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग को वर्ड में लिखना है सेम इस तरह से बना लेंगे हम लोग, इसको वर्ड में लिखेंगे। और मेरे व्हाट्सएप पर जो है इसको बनाने के बाद जो है इसको शेयर करेंगे, है ना। जो भी और कोई दिक्कत हो तो वो भी जो है वॉइस एसएमएस द्वारा हम लोग जिस दिन ऑनलाइन रहते हैं उसका जो है उसमें जो है वॉइस एसएमएस जो है हम लोग भेज सकते हैं। थैंक यू।